विक्की, अभी आप बात कर रहे थे अपने कैरेक्टर के बारे में, कितना मुश्किल हुआ, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुत एक लंबा प्रोसेस रहा होगा, उसमें टफेस्ट पार्ट आपको क्या लगता है, कौन सा रहा? और दूसरी चीज़, जब आप किसी कैरेक्टर में घुसते हैं, कई बार ऐसा होता है कि फिल्म के एंड तक आते आते अगर क्लाइमेक्स एंड में शूट किया, उसी तरह से शूट किया गया जिस तरह से फिल्म का फ्लो है, तो एक्टर को बहुत इमोशनली आप घुस जाते हैं कैरेक्टर में, तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट आपको हुआ इस कैरेक्टर में? आप कह रहे थे बचपन से आपने कहानियाँ सुनी हैं और आपको हमेशा से अच्छा लगा ये कैरेक्टर और आप चाहते थे करें ऐसा कुछ? कई बार सर, एक्चुअली थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्मिंग द स्टोरी, कई बार ऐसा होता था कि मुझे खुद थोड़ा सा धक्का लगता था कि ये जो मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ, ये एक इंसान जी चुका है, चाहे वो दौर हो जब आई एम प्लेइंग द पार्ट वेयर ही इज इन लंडन ट्राइंग टू फाइंड माइकल ओ'डायर. मुझे ये यकीन करना अपने आप में कि मैं एक चीज को, एक एंग्स्ट को पाल सकता हूँ 21 साल तक. आजकल लोग गुस्सा होते हैं, एंग्स्ट होता है, वो अगले मौसम, अगले दिन, अगले महीने, अगले साल बदल जाता है, उसके मायने बदल जाते हैं. पर एक इंसान था जिसके लिए 21 सालों तक उसके मायने नहीं बदले. एक इंसान का कोर इतना हिल गया था एक एपिसोड की वजह से कि वो एक चीज़ को भुला नहीं पाया, एंड उसकी लाइफ का पर्पस वो बन गया कि मुझे ये अवेंज करना ही करना है. टू गेट दैट नोट वो हमेशा डिफिकल्ट था, और उसी पे, उस नोट पे अड़े रहना वो बहुत डिफिकल्ट था समझना. बट ऑल्सो द पोर्शन वेयर ही एक्सपीरियंसेस जलियांवाला बाग, एंड टू एक्सपीरियंस दैट इवन एज एन एक्टर, वो आप, इट यूज टू रियली फ्रीज मी कि चाहे आप शुरुआत उसको प्ले एक्ट की तरह करते हो, बट इवेंचुअली यू स्टार्ट लिविंग दैट, एंड व्हेन यू लिव दैट एपिसोड, वो आपको झंझोड़ देता है, वो आपको बिल्कुल हिला के रख देता है. एंड कई बार होता था कि हम शूटिंग करते थे और मुझे रात को नींद नहीं आती थी कि यही सोच के कि एक इंसान ने ये जेन्युइनली देखा है, ये एक्सपीरियंस किया है. वो लाइन भी है फिल्म में कि आई डोंट फील पेन, आई डोंट गेट स्लीप, दैट्स उधम सिंह. और ये एक हफ्ते की, एक महीने की बात नहीं है, ये 21 साल उन्होंने जिया है ऐसा. तो उसका अगर 1% भी अगर मैं फिल्मिंग के दौरान वो फील करता हूँ, तो वो बहुत हैवी फीलिंग थी, वो बहुत इम्पैक्टफुल फीलिंग थी. एंड कई एपिसोड ऐसे हुए थे कि जहाँ पे आई यूज टू हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज जस्ट टू इमेजिन कि एक पर्सन हैज एक्चुअली लिव्ड दैट. थैंक यू. मेरे दो सवाल हैं. एक, हाय, दिस इज सरिता सिंह फ्रॉम फीफा फूज. एक विकी से है, एक सुजीत जी से है. विकी, आपके लिए सवाल